हेलो फ्रेंड्स, एडवांस सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट के सिलेबस में मैं वैशाली अग्रवाल फैस्टो कंसल्टेंसी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एडवांस सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट है जो आपको बीई फायर एंड सेफ्टी कर रहे हो या बीटेक फायर एंड सेफ्टी कर रहे हो या बीई सेफ्टी में कर रहे हो, एचएससी में कर रहे हो या एडीआईएस या पीडीआईएस कुछ भी आप कोर्सेज कर रहे हो तो आपको सब्जेक्ट पढ़ना हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं इस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें या क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। हम इसका सिलेबस आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके सिलेबस में ये मैंने एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से निकाला है। कोर्स आउटकम्स है, दैट इज़ मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, दैन हियर कम्स इज मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 और नीचे कुछ बुक्स के रेफरेंसेज दिए हुए हैं। वो है वेबसाइट्स दी रहती रेफरेंसेज में, दैट वी हैव टू रीड और वी हैव टू सी। तो आइए हम देखते हैं इसके सिलेबस में डिटेल्स में क्या क्या है। तो इसका मॉड्यूल 1 जो है, या हम इसे चैप्टर 1, यूनिट 1, वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से, वो है डोमिनो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। मॉड्यूल 2 है लेयर ऑफ प्रोटेक्शन एनालिसिस। मॉड्यूल 3 है सिक्योरिटी फॉर केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज। मॉड्यूल 4 है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। इसमें फिर आता है मॉड्यूल 1, दैट इज डोमिनो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम देखते हैं क्या है। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डोमिनो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन टेक्निक। इसमें ये टेक्निक समझाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिक डायग्राम्स। लॉजिक डायग्राम्स लॉजिक गेट्स की बेसिस पे बनते हैं। ये लॉजिक गेट्स है, कई तरह के एंड गेट, और गेट, नॉर, ये सब गेट्स के बेसिस पे आप डायग्राम बना सकते हैं इनके। नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट रिक्वायरमेंट्स, अनअवेलेबिलिटी एनालिसिस ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम्स, रिलायबिलिटी एनालिसिस ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स, PES दैट इज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी सिस्टम डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज लॉजिक डायग्राम सिस्टम एनालिसिस। इसमें FTA आता है, दैट इज फॉल्ट ट्री एनालिसिस। ETA आता है, इवेंट ट्री एनालिसिस। ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शनल डेड टाइम, जिसको MFDT बोला जाता है। फिर है फ्रैक्शनल डेड टाइम के एप्लीकेशन एंड फ्रैक्शनल डेड टाइम की स्ट्रेंथ। फिर है फ्रैक्शनल डेड टाइम की वीकनेसेस। MOT दैट इज मैनेजमेंट ओवरसाइट एंड रिस्क ट्री एनालिसिस, MORT, राइट। नेक्स्ट इज स्नीक एनालिसिस। देन यूनिट 2 और मॉड्यूल 2 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन एनालिसिस, जिसको कि हम लोपा कहते हैं। दैन लोपा क्या होता है उसका बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है लोपा रिलीवेंट स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। नेक्स्ट इज रिस्क टॉलरेंस क्राइटेरिया। इसमें एक्सेप्टेबल रीजन, अनएक्सेप्टेबल रीजन और उन दोनों के बीच में ALARP रीजन आता है, दैट इज एज लो एज रिजनेबली पॉसिबल। फिर है प्रिपरेशन ऑफ लोपा, लोपा मेथोडोलॉजी, सिनेरियो डेवलपमेंट, लोपा टीम, कंपोनेंट्स, इनहेरेंटली सेफ कंसिडरेशंस, इनिशिएटिंग कॉजेस एंड इफेक्ट्स, आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इसमें जितनी सीवियरिटी है, जिस कैटेगरी की सीवियरिटी है उसके हिसाब से उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी आती है लोपा में, वो इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शन लेयर्स, जिसको शॉर्ट में IPL बोलते हैं। फिर इस IPL का क्राइटेरिया क्या है और इस IPL के क्रेडिट एलोकेशंस क्या क्या है, एलोकेशन ऑफ IPL क्रेडिट। देन बेसिक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, जिसको शॉर्ट में BPCS बोला जाता है। फिर है ऑपरेटर रिस्पॉन्स, प्रेशर रिलीफ डिवाइस, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम, जिसको शॉर्ट में SIS बोलते हैं, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड फंक्शंस, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल SIL असाइनमेंट्स, इंटरप्रेटिंग लोपा रिजल्ट्स, रिस्क डिसीजंस एंड मेकिंग कंसिडरेशंस। फिर है मॉड्यूल 3 सिक्योरिटी फॉर केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री। इसमें है असेसमेंट एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट।
फिर है मेथड्स फॉर असेसिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, फिर है इसमें इमर्जिंग सिक्योरिटी रेगुलेशंस, गवर्नमेंट डेवलपमेंट रिलेटेड टू सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोसेस फैसिलिटीज, काउंटर मेजर्स फॉर प्रोसेस फैसिलिटीज, प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलीज, थेफ्ट ऑफ केमिकल रिलीज, साइट सिक्योरिटी फॉर प्रोसेस इंडस्ट्रीज, इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्रोसेस इंडस्ट्रीज, जिसको PSM बोलते हैं, दैट इज प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, थ्रेट एनालिसिस फॉर प्रोसेस इंडस्ट्रीज, सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स, मिटिगेशन एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स, स्पेसिफिक सिक्योरिटी मेजर्स, फिर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेक्स्ट इसमें साइबर सिक्योरिटी, फिर है फिजिकल सिक्योरिटी, फिर है इसमें पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जिसमें केमिकल मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं, फिर है ट्रेनिंग, मिटिगेशन एंड रिस्पॉन्स, इनहेरेंटली सेफर प्रोसेसेस, फिर है इसमें केस स्टडीज, और फिर है इसमें मॉड्यूल 4, दैट इज बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी में जो है फंडामेंटल्स ऑफ BBS, जिसमें मेन 3 होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं, दैट इज ABC मॉडल, एंटीसीडेंट बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस मॉडल। फिर है इसमें ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक प्रोसेस, नेक्स्ट है BBS का एक्सपीरियंस, फिर है पीपल बेस्ड सेफ्टी, फिर है चेकलिस्ट फॉर क्रिटिकल बिहेवियर, फिर है आउटकम्स ऑफ BBS वर्क, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स इन BBS, दैन प्रैक्सिस 6-cell एनालिसिस मॉडल, फिर है इसमें बिहेवियर सेफ्टी ऑब्जर्वेशन प्रोसेस। ये हम कह सकते हैं एक तरह का बिहेवियर सेफ्टी ऑब्जर्वेशन प्रोसेस या प्रोग्राम है, जिसमें हम एक तरह से ऑडिट कर रहे हैं। इस पर मेरा एक वीडियो भी है स्टॉप ऑडिट, और मेरा एक प्लेलिस्ट भी है BBS का, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी का, आप चाहे तो उसको रेफर कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट मैनेजर्स रोल इन डेवलपिंग BBS कल्चर, फिर है BBS स्टीयरिंग कमिटी, फिर मेन स्टेप्स ऑफ ट्रू BBS अप्रोच, या तो टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, या कल्चरल या सेल्फ मैनेज्ड अप्रोच, वट एवर वी वॉन्ट टू डू या वी वॉन्ट टू इंकलकेट, वी कैन यूज इट। फिर है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको SHEMS बोलते हैं। फिर है इसमें OSHA's 18001 अब रिपील हो चुका है, या हम कह सकते हैं ये खत्म हो चुका है, या कह सकते हैं इसको अब मर्ज कर दिया गया है ISO 45001 में। तो जो OSHA's में चीज़ें थी वो पूरी तरह से चेंज हो गई, और अब जो है ISO 45001 है, जिसमें OSHA's के रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन उसमें काफ़ी चेंजेस भी हैं। फिर है OSHA's का PSM, लेकिन चूंकि ये सिलेबस में है, अभी भी कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, तो अभी भी सिलेबस का पार्ट है। PSM इज प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, नेक्स्ट पॉलिसी, देन प्लानिंग, ट्रेनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इसमें PDCA साइकिल चलता है, दैट इज प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। फिर नेक्स्ट इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल, फिर है रिव्यू, नेक्स्ट है थैंक यू। होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। अगर आपको मेरे चैनल फैश टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी के वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ इसे अपने सर्कल में शेयर कीजिए, प्रोफेशनल सर्कल, फ्रेंड सर्कल में, और आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।